आंवला तेल में कुछ चीजें मिलाने से आपके बालों की लंबाई इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। फ्रेंड्स, आज हम जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके जो बाल होंगे, ये जो हम तेल बनाकर आपको दिखाएंगे, ये जो तेल हमारा बनकर तैयार होगा आपके बालों के लिए इतना अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके बाल झड़ने से रुक जाते हैं, समय से पहले सफेद होना भी, बाल बिल्कुल बंद हो जाएंगे, रूसी भी खत्म हो जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि 2 से 3 महीने में आपके बाल कमर के नीचे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको हमने आंवला तेल से बनाया है। आंवला तेल तो आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवला तेल लगाने से बाल बढ़ते हैं। हम सभी लोग बहुत लंबे समय से आंवले तेल का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। हमारी दादी नानी के समय से ये आंवला तेल हम लोग लगा रहे हैं। तो आज हम इसी आंवला तेल से आपके लिए पावरफुल रेमेडी बनाने जा रहे हैं। तो बस आप लोग देखते जाइए कि इसको हम कैसे बना रहे हैं। इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना होगा फ्रेंड्स आंवला तेल। तो यहाँ पर हमने आंवला तेल ले लिया है। ये 10 रुपए वाली आंवला तेल की सीसी है और इसी के साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है पैरासूट का नारियल तेल। इन दोनों तेलों को मिला करके हम आज आपके लिए ऐसा जबरदस्त नुस्खा बनाकर तैयार करेंगे फ्रेंड, जिसको लगाने से आपके बाल बहुत तेजी से लंबे, काले और घने हो जाएंगे। झड़ते हुए बालों की समस्या भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, बालों में डैंड्रफ है, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। अगर समय से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि बालों का सफेद होना बिल्कुल रुक जाए, तो जरूर आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आंवला तेल है हमारा, हमने सारा कटोरी में निकाल लिया है। आप देख लीजिए इतना ये हमारा तेल निकल कर आया है और इसको हम साइड में रख देंगे और इसी के साथ में ही हम नारियल तेल को भी निकाल लेते हैं। तो ये नारियल तेल है और इसको भी हम पूरा ही निकालेंगे इस तरह से। तो दोनों ही तेल हमारे बराबर मात्रा में ही है और इन दोनों को एक साथ हम बनाकर दिखाएंगे आपको। ऐसी पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार होगी जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चाहे बच्चे इसको लगाएं, चाहे बड़े लगाएं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। बच्चों को भी ये तेल बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो ये दोनों तेल हमने निकाल लिए हैं कटोरी में, अलग अलग कटोरी में इस तरह से आपको निकाल लेना है। वीडियो पर बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस रेमेडी को सबसे पहले आप लोग पूरा देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल बढ़ा बढ़ा कर मत देखिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही इस रेमेडी को आप लोग बनाइएगा ताकि अच्छे से ये आपके बालों पर फायदा कर सके। तो दोनों तेल हम रख दिए हैं और अब हम एक बर्तन ले लेंगे। हमने यहाँ पर लोहे के बर्तन का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो बर्तन हो आप वो बर्तन ले सकते हैं। तो ये जो दोनों तेल हमारे हैं, नारियल का तेल और आंवले का तेल, हम एक साथ मिला देंगे इस तरह से। दोनों तेल हमने एक साथ मिला दिए हैं और इस तरह से आपको भी इस तेल को बनाना है। दोनों तेल एक साथ मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको गैस पर रख देंगे। अभी हम इसमें कुछ चीजें और ऐड करने वाले हैं, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तेल को हमने साइड में रख दिया है, अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। अब हम ले लेंगे एक एलोवेरा। तो ये एलोवेरा हमारे प्लांट का ही है, तो हमने एक पत्ती ले ली है और इसका जो कांटे वाला पार्ट होता है वो हम हटा देंगे फ्रेंड्स। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे बालों में जबरदस्ती शाइन आती है, हमारे बाल झड़ते नहीं है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप जरूर डालिएगा। छोटे छोटे से हम इसके टुकड़े बना लेंगे इस तरह से और ये टुकड़े हम छोटे बनाकर ही डालेंगे। इसको छीलना नहीं है, छिलके समेत ही आपको लेना है। इस तरह से आप छोटे छोटे इसके टुकड़े बना लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आजकल तो बच्चे बच्चे भी आंवला तेल के बारे में जानते हैं कि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं तो ये हमारे तरीके की रेमेडी बनकर तैयार होती है, जो हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है और हमारे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं। तो आंवला तेल में इस तेल को अगर आप मिलाते हैं नारियल के तेल को, क्योंकि नारियल का तेल भी हमारी बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो नारियल का तेल और आंवला का तेल अगर आप एक साथ मिलाकर इस रेमेडी को बनाते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार होती है। इस तरह से आपको एलोवेरा के छोटे छोटे से टुकड़े बना लेने हैं। तो देखिए हमने बहुत छोटे छोटे से टुकड़े बनाकर तैयार किए हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में डालकर पीस भी सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इसके टुकड़े बना लिए हैं और अब हम ये टुकड़े उसी तेल में डालेंगे, क्योंकि अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है। कढ़ाई को हमने गैस पर सिर्फ रख दिया था, ऑन नहीं किया था। अब हम गैस को भी ऑन करेंगे। ये कटा हुआ एलोवेरा अब हम इसी तेल में डाल देंगे। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है फ्रेंड। जितनी भी सामग्री है हम इसी तरह से पहले ही डालेंगे। हमको इसको
पहले से नहीं डालना है तो एलोवेरा डालकर अब हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। बस स्लो स्लो से आपको इसको पकाते जाना है। जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें एक सामग्री और ऐड करेंगे। बस आप सभी दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि इस तेल को किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है और किस तरह से आपको अपने बालों पर इसको लगाना है, जिससे आपके बालों की लेंथ अच्छी हो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, समय से पहले सफेद हो रहे बालों से आपको छुटकारा मिल जाए, आपके सिर से रूसी डैंड्रफ सारा खत्म हो जाए। तो इसको हम धीमे धीमे से पकने देंगे। तेल हमारा पकना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें से फेना फेना निकल रहा है क्योंकि हमने इसमें आंवला तेल डाला है, जो कि हमारा आंवला तेल मार्केट वाला होता है और उसमें कुछ ऐसी सामग्रियां पड़ी होती हैं जिसके कारण इसमें बहुत सारे फेना निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी करी पत्तियां भी डाल देंगे और करी पत्तियां डाल करके भी हम इसको चलाएंगे। करी पत्ती बहुत अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, ये हमारे बालों की जड़ों को काला करता है, हमारे बालों को बढ़ने में बहुत मदद करता है। अगर हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो ये बालों को काला भी करता है। तो करी पत्ता का इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करिएगा और एलोवेरा से तो आपके बालों में चमक आती है फ्रेंड्स। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे बालों को अंदर से पोषण देता है, हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है। तो एलोवेरा और करी पत्ता जब इस तेल में पड़ जाता है तो ये तेल बहुत ही पावरफुल बन जाता है। बस आप सभी लोग देखते जाइए कि इस तेल को हमें कितना पकाना है, कितनी देर तक हम इस तेल को पका रहे हैं और कैसे हम इस तेल को बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप जब इस तेल को पकाएंगे तो इस तरह से फेना निकलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। जब हम लोग आंवला तेल पकाते हैं तो उसमें से ये फेना निकलता ही है इस तरह से, तो फेना तो निकलेगा ही थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और इसको आपको पका लेना है। जब आपका ये तेल पक जाएगा तो फेना अपने आप ही बैठ जाएगा नीचे। जब तक आप इसको पकाएंगे तब तक आप गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पर आपको ये सामग्री पकानी है। धीरे धीरे से जब ये सामग्री आप पकाते हैं तो इसका जितना भी पोषक तत्व होता है ये सारा हमारे तेल में आ जाता है और ये तेल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तेल हमारा पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को अभी हम थोड़ी देर गैस पर ही रखे रहने देंगे क्योंकि ये तेल बहुत गर्म है और अभी हम इसको पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तेल को हमने लगभग 3 से 4 मिनट बहुत ही स्लो फ्लेम पर पकाया है और ये सारी सामग्री हमारी पक चुकी है। ये देख सकते हैं इस तरह से जो हमने एलोवेरा डाला था ये भी पूरी तरीके से पक चुका है, ये सॉफ्ट हो चुका है, एकदम कुरकुरा कुरकुरा सा हो गया है। इसका जितना भी पोषक तत्व था वो सारा हमारे इस तेल में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये ऐड गया है, ये एलोवेरा है और ये पूरा पक चुका है। तेल को हमने नीचे उतार लिया है और अभी ये तेल गर्म है तो थोड़ा गर्म गर्म ही हमें इसको छानना है। ठंडा होने के बाद ये हमारा तेल बहुत वेस्ट हो जाएगा, जो भी इसमें सामग्री है ये सारा तेल इसमें सोख जाएगा। तो थोड़ा गरम गरम ही हम इस तेल को छान लेते हैं किसी दूसरी कटोरी में। पूरा तेल हमने छान लिया है, थोड़ा सा आप चम्मच से इसको दबा दीजिए और ये जितना भी तेल होगा इस सामग्री में वो भी सारा निकल कर आ जाएगा। तो ये तेल हमारा इतना बनकर तैयार हुआ है और जो भी हमारी ये वेस्ट मटेरियल है, जो भी हमारी सामग्री थी, देख सकते हैं बहुत कुरकुरी कुरकुरी सी ये सारी चीज़ें हो गई हैं और ये पूरी तरीके से अच्छे से पक गई हैं। बस इतना ही आपको पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो ये तेल हमारा बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसको लगाने का तरीका भी आप लोग जान लीजिए। इस तेल को आप जब भी लगाएं तो कम से कम रात भर के लिए जरूर अपने बालों पर लगा कर रखें। जब भी आपको शैम्पू करना हो तो शैम्पू करने से एक दिन पहले आपको रात में इसको लगा लेना है। इसको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, मसाज करना है, बालों की लेंथ पर अच्छे से लगा लेना है और आपको जूड़ा वगैरह बना लेना है। रात भर आप इसको लगा कर रखें, सुबह अपने बालों को किसी भी मनपसंद शैम्पू से धो लीजिए। और अगर आप रात भर इसको नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर आप इसको अपने बालों पर लगाएं। हफ्ते में 3 दिन आपको इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ज़बरदस्त अगर रिजल्ट आप चाहते हैं तो 3 दिन जरूर इसका इस्तेमाल करें और रात भर इसको लगा कर रखें, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। बाल की लंबाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी फ्रेंड्स। इसके साथ ही अगर आपके सफ़ेद बाल बहुत तेज़ी से होने शुरू हो गए हैं तो सफ़ेद बालों को ये भी जड़ से काला करेगा और आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत और चमकदार भी बनाएगा। तो ये रेमेडी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।